गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई नो वी मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट आवर क्लास सिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम विद्युत बोलते हैं और सर्किट जिसे हम परिपथ बोलते हैं. इन दिस चैप्टर गाइस वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सेल, सर्किट, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे जो सेल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाउ इट फ्लो, कैसे फ्लो होती है, व्हाट इज आयंस, आयंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सर्किट एक परिपथ जो होता है वो क्या होता है, एट आवर होम विच टाइप ऑफ सर्किट, देयर आर टू सर्किट, पैरेलल सर्किट्स. ओके, दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, सर्किट होते हैं. एक पैरेलल सर्किट होता है, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन सर्किट होता है. तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सर्किट के बारे में, सेल्स के बारे में इस चैप्टर में. वी यूज मैनी इक्विपमेंट एट आवर हाउस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइक बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. हम गाइस घर में बहुत सारे उपकरण क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होते हैं, चलते हैं, उन्हें यूज करते हैं. जैसे बल्ब है, टॉर्च है, बहुत सारे और जो उपकरण है, जैसे फोन भी है, ये भी किससे चलता है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी चार्ज होती है. इन्वर्टर जो है हमारे घर, रेफ्रिजरेटर है, ये सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. ये सब क्या करते हैं, जैसे बल्ब है, हम रात को भी काम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, हमें रात में काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. और दे मेक अस लाइफ इजी और कम्फर्ट, ये हमारी लाइफ को इजी और क्या बनाते हैं गाइस, कम्फर्ट भी बनाते हैं. नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. गाइज इफ वी गिव ए स्मॉल डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो होते हैं गाइज, दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज का फ्लो होना ही सर्किट में क्या कहलाता है गाइज, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. अगर गाइज कोई भी चार्ज है, सपोज अगर ये कोई वायर है, इट इज ए वायर, या गाइस चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर गाइस ये कोई सर्किट है, अगर वायर भी ले, अगर गाइस यहाँ से यहाँ तक अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अगर गाइस यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं. अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं. तो चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं. तो चार्ज का फ्लो होना ही गाइस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. कहीं भी गाइस अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो वहां क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज क्या होते हैं गाइस, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. कहीं भी गाइस अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज क्या हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी सर्किट में परिपथ जो होता है गाइस, हम बताएंगे परिपथ क्या होता है. तो कहीं भी गाइस अगर वायर में या किसी भी क्या हो सर्किट में अगर चार्ज पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, फ्लो हो रहे हैं, तो गाइस वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. नाउ गाइस वी डिस्कस्ड अबाउट आवर सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ड्राई सेल बोल दीजिए या प्राइमरी सेल बोल दीजिए, तीनों का मतलब क्या होता है गाइस, एक ही होता है. इलेक्ट्रिक सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल को जिसे हम सूखा सेल भी बोलते हैं, प्राइमरी सेल जिसे प्राथमिक सेल भी बोलते हैं. ये सेल वो होते हैं गाइस जो हम जो टॉर्च में या जो टीवी, जो रिमोट होते हैं, वॉचेस होते हैं, वॉल वॉचेस, उनमें जो गाइस हम यूज करते हैं जो सेल, वो सेल क्या होते हैं गाइस, उन्हें ड्राई सेल बोल देते हैं, प्राइमरी सेल भी बोल देते हैं. इसके अलावा हम इसमें सेकेंडरी सेल भी पढ़ेंगे, जिसमें गाइस हम जो गैल्वेनी जो सेल होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है. जैसे जो हमारे बैटरी जो होती है, घर में जो बैटरी होती है उसके बारे में देखते हैं. तो हम यहाँ देखते हैं गाइस प्राइमरी या ड्राई सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वी सी इट स्ट्रक्चर. हम गाइस घर में जो सेल देखते हैं, हम घर में जो सेल देखते हैं गाइस, उसमें क्या देखते हैं, जैसे गाइस घर में जो हमारे सेल होता है, बाय थ्रू इट वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट आउटर, इन्हें आउटर गाइस क्या होता है, आउटर क्या होता है गाइस, एक मेटल क्या होती है, लेयर होती है,
जैसे हम ये देखते हैं कि आउटर ये क्या होती है गाइस, एक प्रोटेक्टर बोल देते हैं हम इसको, या जो कवरिंग जो है सेल को वो बोल देते हैं गाइस। इसके ऊपर गाइस हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो गाइस यहाँ पर एक टिप होती है, जैसे हम इसको देखें आपको टिप दिख रही है, और यहाँ पर गाइस होता है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाता है पॉजिटिव। सी डेट ये जो टिप है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये टिप है, ये जो टिप है गाइस, ये टिप है जो कैसा है गाइस, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। देर आर टू टाइप ऑफ टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे चार्ज होते हैं वैसे क्या होते हैं गाइस, इन्हें सेल की जब बात करते हैं तो टर्मिनल्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो गाइस हम देख रहे हैं यहाँ पे दो क्या है टर्मिनल्स है, ये जो पॉजिटिव है ये क्या गाइस पॉजिटिव, और ये क्या गाइस मेटल टिप, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या होती है गाइस यहाँ पे जो टिप होती है ये जो टिप है गाइस ये कैसे गाइस पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते हैं। इसके आगे गाइस हम देखें तो यहाँ है हमारा नेगेटिव, इसके नीचे जब हम देखते हैं गाइस नीचे देखते हैं तो गाइस कैसा होता है नेगेटिव, हम यहाँ देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, यानी सेल में देयर आर टू टर्मिनल्स इन द सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। हम बात करते हैं गाइस टर्मिनल की, क्योंकि यहीं से क्या होता है इस सेल की जो यूजेज है जो चार्ज हैं वो क्या होते हैं फुल होंगे, तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे गाइस कैसा होता है नेगेटिव होता है। अब गाइस देखते हैं ये जो गाइस कवरिंग जो आप देख रहे हैं, ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं हमने जो बताई कवरिंग है, इस कैसी होती है पॉजिटिव कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग हम देख रहे हैं ये जो कवरिंग हम पूरी यानी इसको जो पूरा ये बना हुआ है ये गाइस कैसा है पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव। अब गाइस हम इसके इंटरनली देखते हैं इंटरनली इसमें क्या होता है, जैसे गाइस हम इस पॉजिटिव कवरिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर गाइस क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है सॉल्यूशन होता है, किसका सॉल्यूशन होता है अमोनियम क्लोराइड का, नॉट लिक्विड इन, पूरा लिक्विड में नहीं होता लेकिन क्या होता है गाइस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसे गाइस इसके अंदर की तरफ देखेंगे फर्स्ट जो लेयर गाइस इसके अंदर यहाँ जो गाइस जो फर्स्ट लेयर जो अंदर होगी वो किसके गाइस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की क्या होगी इसमें, यानी अमोनियम क्लोराइड क्या होगा इसमें भरा हुआ होगा। उसके बाद इसकी गाइस अंदर देखेंगे तो अंदर देखेंगे गाइस यहाँ पर क्या होगा सेपरेटर यानी अलग, जैसे हम पोलोथीन गाइस हम देखें तो लेयर होगी किसकी पॉलीथीन टाइप लेयर होगी जो क्या करेगी गाइस इस अमोनियम क्लोराइड को क्या करेगी सेपरेट करेगी, यानी अंदर जो भरा होगा यानी अंदर इसके हम देखें तो क्या है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 होगा इसके अंदर। तो गाइस इसके बीच में यानी अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच में गाइस क्या होगा एक प्रोटेक्टर लेयर होगी, अगर इसमें देखें तो गाइस हम अगर खोल के आप देखेंगे तो इस सेल के अंदर क्या होगा गाइस एक बहुत थिन बहुत पतले क्या होगी एक लेयर होगी जो सेपरेटर का काम करेगी, किसका काम करेगी यानी अलग पृथक करने का काम करेगी इसको अमोनियम क्लोराइड को और मैंगनीज डाइऑक्साइड को। इसके बीच में गाइस हम देखें तो गाइस अगर हम यहां से और यहां तक यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल अगर गाइस ये बीच में देखें बिल्कुल ये जो बीच में हम देखें गाइस तो यहां से यहां तक जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम देख रहे हैं यहां से यहां तक जो है गाइस एक क्या होती है कार्बन रोड होती है, जैसे अगर हम इसे तोड़ेंगे तो गाइस हम देखेंगे काला काला सा क्या होगा रोड जैसा होगा, यानी यहां से यहां तक लंबा सा काला क्या होगा गाइस कार्बन रोड होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा गाइस, हमने देखा भी है काफी बार तोड़ के भी देखते हैं हम, तो यहां से यहां तक क्या होगा गाइस एक कार्बन रोड होगा। तो ये क्या है गाइस एक सेल, ये क्या है एक, ये इसको क्या बोलते हैं गाइस ड्राई सेल बोलते हैं, ये क्या होता है कि ड्राई सेल है जिसका ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए इससे भी और इससे भी, ये जो है गाइस इसका ये क्या है इंटरनल क्या है स्ट्रक्चर है, मिडल में कैथोड रोड कार्बन की रोड जिससे कैथोड के रूप में यूज लेते हैं हम, यहाँ गाइस एक प्रोटेक्टर पॉजिटिव क्या होती है ये लेयर होती है, दो क्या होते हैं टर्मिनल होते हैं, ये जो टिप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये गाइस कैसे होता है नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इस प्रोटेक्टर जो पॉजिटिव लेयर है इसके अंदर गाइस क्या भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड है, उसके अंदर गाइस एक सेपरेटर लेयर होती है और उसके अंदर क्या बोलते हैं गाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। ये है गाइस स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। इट इज ए स्मॉल मेटल कैप, हम यहां से देख रहे हैं इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप, स्मॉल मेटल कैप दिख रही है हमें, ये क्या है स्मॉल मेटल कैप है, वन साइड एक साइड में क्या है स्मॉल मेटल एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड गाइस हम देख रहे हैं
ये क्या है, मेटल डिस्क है। एक साइड तो क्या है स्मॉल, क्या है मेटल कैप है, दूसरी साइड क्या है गाइज डिस्क है। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल कैप देख रहे गाइज सेल पे लिखा हुआ है, मेटल कैप कैसा है गाइज पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ द सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड जो डिस्क होती है गाइज ये जो डिस्क है ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है मेटल कैप, और अदर साइड जो डिस्क है वो कैसा है गाइज नेगेटिव, जो आप गाइज इस सेल पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है नेगेटिव, द मेटल डिस्क नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स गाइज चाहे वो ड्राई सेल हो, चाहे प्राइमरी सेल हो, चाहे सेकेंडरी सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, सब में क्या होते हैं गाइज दो क्या होते हैं टर्मिनल होते हैं, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा दूसरा कैसा होगा नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल इन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल, जो गाइस इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्या बताया फ्लोइंग ऑफ चार्ज, इसमें गाइस जो चार्ज फ्लो होंगे जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होती है गाइस केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है, जो हम देख रहे थे अमोनियम क्लोराइड जो भरा हुआ था, मैंगनीज ऑक्साइड भरा हुआ था, वो क्या है केमिकल्स हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं तो गाइस क्या होते हैं चार्ज फ्लो होते हैं रिएक्शन से, और जब चार्ज फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्योंकि पासेज और फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टोर्स प्रोड्यूस, सेल्स स्टोर्स प्रोड्यूस है, जब गाइस ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, या जो केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, यानी जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो गाइस इसमें चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे केमिकल, जब हम सारे यूज ले लेंगे, और ये जो सेल होगा वो गाइस क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी भी देना बंद कर देगा, यानी अगर एक कंप्लीट अगर हम इसको देखें जब तक गाइस इसमें चार रिएक्शंस होगी, जब तक केमिकल रिएक्शन होगी तब तक ये क्या करेगा चार्ज फ्लो होंगे इन केमिकल थ्रू केमिकल रिएक्शंस, और चार्ज फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन गाइस जब ये सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, एक केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे, और चार्ज फ्लो नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। एक बात गाइस मैं आपको जनरली बात करता हूं, हम सोचते हैं कि एक बार गाइस अगर हमने इसे किसी में भी यूज ले लिया, सपोज इट इज ए न्यू सेल, अगर ये बिल्कुल नया सेल और इसने हमने गाइस अगर इसको किसी भी इक्विपमेंट यूज ले लिया, सपोज हमने इसको रिमोट में यूज ले लिया, अगर गाइस हमने इसे 5 मिनट रिमोट में यूज लिया है, इट यूज ओनली 5 मिनट्स, आफ्टर दैट वी पुट आउट, अगर उसके बाद अगर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं गाइस केमिकल रिएक्शन हैपन, तो गाइस इसमें केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं, वो स्टॉप नहीं होती है। इट मींस अगर एक बार आपने ड्राई सेल्स को यूज ले लिया है, उसके बाद गाइस कंटिन्यू इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रुकती नहीं है। इट मींस लगातार ये क्या होगा डिस्चार्ज होता चला जाएगा, लगातार क्या होगा डिस्चार्ज होता चला जाएगा। अब नाउ आप इसे यूज लेते हैं तो भी ये डिस्चार्ज हो रहा है, और गाइस अगर आप इसे यूज नहीं ले रहे हैं तो भी ये कैसा होगा डिस्चार्ज होगा। ये क्या होती है गाइस ड्राई सेल से क्या होती है, हम कमी भी इसको बोल सकते हैं, अगर एक बार यूज ले लिया तो गाइस ये लगातार क्या होते रहते हैं डिस्चार्ज होते, क्योंकि एक बार केमिक्स जो सेपरेटर जो होता है गाइस एक बार वो टूटता है, जैसे तो गाइस जो भी आपके केमिकल क्या थे वो कॉन्टेक्ट में आते और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कंटिन्यूटी होती रहती है, तो एक बार ड्राई सेल्स यूज लेने पर ये लगातार क्या होता है गाइस डिस्चार्ज होता रहता है, इफ यू यूज और नॉट, आप इसे उपयोग में लें या नहीं लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।